ओके सो वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज़ शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, आज से आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ बच्चों, अब से मैं क्लास 11 का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसके ऊपर भी फोकस करने वाला हूँ। ये जो अक्टूबर मंथ है बच्चों, 11 क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बताने के लिए, बट स्टिल मैं थोड़ी सी बात में कह के अपनी अभी बात ख़त्म करूँ, और जैसे जैसे वीडियो आपको मिलती रहेगी आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वो भी अच्छे तरीके से होती रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आपका मैं जो है वो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ टर्म 1 के एग्ज़ाम वाली। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत हो रही है आपके होम साइंस सब्जेक्ट के साथ, स्पेशली इन हिंदी मीडियम। ऑडियंस में पास ज़्यादातर हिंदी मीडियम है, तो दैट इज़ वाई बच्चों मैं हिंदी मीडियम वालों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर ज़्यादा इंग्लिश मीडियम की डिमांड आएगी तो मैं उनको भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का 2021-22 वाला, फर्स्ट टाइम आप ऐसे बच्चे हो जो ऐसे एग्ज़ाम दोगे, ट्वेल्थ वाले भी देंगे, नाइन्थ वाले और टेंथ वाले, तो ध्यान रखना आपका ये जो टर्म 1 का सिलेबस है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ओवरऑल आपको वैसे भी पता ही है। तो भैया देखिए, जियो जैसा एग्ज़ाम, होम साइंस जैसा एग्ज़ाम और फिजिकल एजुकेशन जैसे एग्ज़ाम, ये आपके 70 मार्क्स के आते थे एग्ज़ाम में, और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते थे। अब आप अगर 70 का हाफ करोगे तो कितना होगा बच्चों, 35। तो यहाँ आप जब देखोगे 35 मार्क्स, तो वो आपके टर्म 1 में आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह सेम आपके 35 मार्क्स टर्म 2 में, और जो बाकी आपके 70 मार्क्स होंगे, माफ़ कीजिएगा, जो आपके 30 मार्क्स होंगे वो 15 नंबर आपके टर्म 1 से, 15 नंबर आपके 15 टर्म 2 से। तो ये आपका ओवरऑल आपका कॉन्टेंट है, सिलेबस है, जिसे आपको फॉलो करना है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और ये जो सीरीज़ है वो स्पेशल 100 की मैंने इसलिए रखी है, अभी आपको आगे पता चलेगा। इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, यानी कि ग्रह विज्ञान का मतलब आपको बताना, उसका परिचय बताना। तो ये वाला जो लेसन है, ऑलरेडी आपका टर्म 1 के अंदर जितने भी लेसन थे वो मैंने करा रखे हैं, सभी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, आप डाउनलोड कर लेना। कर रखे तो वो बहुत अच्छी बात है। लिंक मेरा जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाइए। ऑलरेडी 3100 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो आप वहाँ पे फ्री आराम से ज्वाइन हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें फ्री है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना, ओके। और इस लेसन के अंदर बच्चों, आपके सिर्फ 2 नंबर का आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अब ये 2 नंबर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप ये वाली वीडियो देखिएगा, आपका सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। और हाँ, आप अगर कंटेंट को देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा तो देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो शेयर करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इनवाइट भी कर दीजिएगा उन्हें, ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को, जो होने वाली है स्पेशल। तो ये जो है टॉप 100 मार्क्स की आपकी सीरीज़ होने वाली है, स्पेशली होम साइंस की, अदर सब्जेक्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के ओवरऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, लास्ट ईयर जो पढ़ाया था अब की बार भी वही है, सेम है, कोई चेंजेस आया ही नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस पहले था वही अभी है, जो डिलीट था वो भी अभी है, तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। बट ये है कि एमसीक्यू आपको फर्स्ट टाइम करवाने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों पूरा फोकस आप इसके ऊपर रखिएगा। तो देखिए, ग्रह विज्ञान का अर्थ, तो 2 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा, स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ, और परिवार समुदाय और साथ ही परिवार के प्रति समझ, तो 2 नंबर, 18 नंबर और 15 नंबर। तो ये जब आप अपना काउंट करोगे बच्चों, ये जब आप अपना काउंट करोगे तो भैया 18 15 कितने हो गए, 18 36, तो 3 के 33 और 5 35, मतलब 32 और माफ़ किया 33 + 2 35 मार्क्स। तो ये एग्ज़ाम आकर 35 मार्क्स का आ रहा है, तो 3 आपको टॉपिक, बट ये मत समझना कि 3 ही टॉपिक आ रहे हैं, आराम से कर लेंगे 3 चैप्टर, भैया इनके अंदर बेशक आपका 2 नंबर वाला छोटा है, 2 नंबर वाला बेशक छोटा है, लेकिन ये जो स्वयं को समझना और परिवार समुदाय परिवार के प्रति समझ, ये बहुत डीप है, इसके अंदर लेसन के अंदर लेसन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। तो जब आप अपना ये सिलेबस देखोगे, ये रहा टर्म 1 वाला आपका सिलेबस, ठीक है, टर्म 1 वाला, तो जब थोड़ा सा डाउन करोगे तो देखिएगा, ये रहा आपका पहला, उसके बाद नीचे से देखिए, ये आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को समझना। तो एक तो आपका ये टॉपिक हो गया, फिर ये टॉपिक हो गया, उसके अंदर सब टॉपिक कितने सारे हैं, उसके बाद ये वाला टॉपिक हो गया, और अगला टॉपिक ये वाला भी आपको करना है, इसी के अंदर है सारा फूड वाला भी।
उसके बाद मैनेजमेंट एंड रिसोर्स, ये भी आपको करना पड़ेगा। फैब्रिक एंड अराउंड अस, कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी, तो ये है आपका, ठीक है। तो जब ये ओवरऑल सिलेबस है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। होप सो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, और जैसे वीडियो चलते रहेगी 100 क्वेश्चन की, आपको बता दिया जाएगा कि ऊपर जो है चैप्टर कौन सा चल रहा है। मेनली तीन ही चैप्टर है इस लेसन को आज हम कवर कर रहे हैं। तो गृह विज्ञान की शिक्षा भारत में इनमें से किस विश्वविद्यालय से आरंभ हुई थी, ये पहली वीडियो है, इसलिए बच्चों थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर हमारा सिलेबस कंटिन्यू रहता तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता। तो गृह विज्ञान की आपको शिक्षा बतानी है भारत में, इन इंडिया, किस यूनिवर्सिटी के साथ स्टार्ट हुई थी, ये आपको बताना। ऑप्शन है 1932 में लेडी अरविंद कॉलेज, 1932 में माता देवी कॉलेज, 1938 में माता सुंदरी कॉलेज, 1940 में दयाल सिंह कॉलेज। तो इन कॉलेज की खास बात है कि भैया ये जो है आपके ऑल, ठीक है, माता देवी को छोड़ दीजिएगा, बाकी ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट है। क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, तो याद रखना। तो भैया आपसे शुरुआत पूछी गई है, तो आप जब एग्जाम में ऐसा आएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा, 1932 में लेडी अरविंद कॉलेज। लेडी अरविंद कॉलेज की एक खास बात है, ये ओनली फॉर किसके लिए बच्चों, वुमेन्स के लिए, ओनली फॉर वुमेन्स, इधर बॉयज़ की एंट्री है ही नहीं। और आपको ये कहाँ मिलेगा, सीपी, बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है ना, कनॉट प्लेस के आसपास ही है, मेन रोड पर ही है, बहुत अच्छा कॉलेज है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस वहाँ पर है, उसके आसपास ही है, तो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। और आज इस कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है वो 95 से प्लस जाती है, अगर आप होम साइंस जैसे में भी एडमिशन लोगे ना तब भी, तो बीएससी होम साइंस ऑनर्स वहाँ पर ऐसे होते हैं, एक या दो कॉलेज में ही है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान की शाखाएं, शाखाएं मतलब होता है बच्चों ब्रांचेस, तो भैया पेड़ों की भी ब्रांचेस होती है, बैंकों की भी ब्रांचेस होती है, हर एक चीज़ की ब्रांचेस होती है। तो भैया गृह विज्ञान यानी होम साइंस की भी ब्रांचेस है, तो उसकी आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। ऑप्शन ए बोलता है आहार और पोषण, बी बोलता है वस्त्र और परिधान फैब्रिक, सी बोलता है ए और बी दोनों है, डी बोलता है कि नन ऑफ दी अबव। तो यार जब शाखाओं की बात आती है, जो आपका टर्म वन के अंदर स्पेशली सिलेबस आ रहा है ना, तो उसके अंदर पांच टॉपिक आ रहे हैं मेनली, तो ये पांच टॉपिक में से ऊपर के जो दो टॉपिक है ना, एक न्यूट्रिशन वाला और दूसरा फैब्रिक वाला, कपड़ों वाला, खाद वाला, तो ये दोनों के आ रहे हैं, तो इसलिए भैया ऑब्वियसली ये इसकी ब्रांचेस होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो दोनों के बारे में बोल रहा है, एक के बारे में नहीं, मतलब ऑप्शन में दोनों है तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हो, क्लियर। चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। और अभी ये तो सिंपल टाइप से क्वेश्चन हो कि इसी चैप्टर के अंदर आगे आपके असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, कथन, कारण और केस स्टडी वाले, तो ध्यान रखना, आप बस कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, आपका कल्याण पक्का निश्चित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, पढ़ने के बाद कौन से कार्य वर्क किए जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए शिशु देखभाल, केयरिंग वाला होता है ना, और विशेष शिशु की देखभाल, विशेष शिशु का मतलब जैसे जो कि जिनकी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल बच्चों से अलग होती है, आपने देखा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कुछ पार्ट मिसिंग होता है या फिर कोई उनकी कंडीशन इतनी नहीं हो पाती सही, सो दैट इज़ वाई कि बच्चों इनकी अलग से केयर करनी पड़ती है, तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका भी वो कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन में कहा गया। और जनसंख्या नियंत्रक का कार्य भी आप कर सकते हो, पॉपुलेशन वाला, और साथ ही बोलता है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये बिल्कुल बात ठीक है, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आपको पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन कौन है, वी आर, ठीक है, हम ही तो है, तो दैट इज़ वाई कि बच्चों आपको इन तीनों कैटेगरी में आराम से, इसके और भी अलग अलग एरिया है बट हम तो ऑप्शन में चार ही डाल सकते हैं ना, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया पारिवारिक संसाधन, अब ये आ गया पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का, लर्निंग समझा जाता है, पाक कला का, पाक होते हैं ना शेफ जो होते हैं, फैशन डिजाइनिंग का, परिवार नियोजन का, या फिर समय, धन और ऊर्जा का। तो सिंपल सा इसका कोरिलेशन है कि जब परिवार संसाधन प्रबंधन की बात आएगी तो भैया फैमिली प्लानिंग, फैमिली
इसको प्रेफरेंस पे रखा जाएगा तो भैया इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जे और जिसके साथ रिलेशन उसका उसी के साथ। इस लेसन में ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात है भी नहीं, आराम से कर लेंगे। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है माफ कीजिएगा, कि पहले अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, गृह विज्ञान को किसने परिभाषित किया था। इनमें से आपको एक ऑप्शन करना है चूज। ऑप्शन है डी ए एच रिचर्ड या फिर मीराबाई हेडगेवार या फिर आर बनर्जी। तो भैया 1932 में जब परिभाषित की बात आएगी गृह विज्ञान होम साइंस की, तो आपको किसका नाम लेना है, डॉक्टर ए एच रिचर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में ऐड अप कर लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन का। चलिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन सा गृह विज्ञान का जो डिपार्टमेंट है वो नहीं है। अब आपके सामने कुछ डिपार्टमेंट आएंगे, समटाइम क्या होता है बच्चा हाँ सोच लेता, बट आपको हाँ नहीं सोचना, नहीं की बात पूछी है तो नहीं आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन इज वस्त्र एवं परिधान फैब्रिक वाला, प्रसार एवं संचार वाला, कम्युनिकेशन वाला, इंजीनियर विभाग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मानव विकास व पारिवारिक संबंध ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली मैनेजमेंट। तो क्या नहीं है इसके अंदर, तो देखिए भैया फैब्रिक की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट साथ ही फैमिली प्लानिंग, इन सभी की बात आती है, बट जो इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है वो तो भैया आईटीआई करो आप अपना, उसके अंदर आएगा ना सिविल वाले में। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी लग रहे होंगे, आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर का देखोगे तो थोड़ी बहुत वहाँ पे कंफ्यूजन होगी, बट डोंट वरी, ये तो एक सिंपल वे है, नेक्स्ट में थोड़ा और मॉडरेट हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा हम सारा कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी आपने तो वीडियो देख ही रखी है, समझने के लिए अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपने प्यार भी बहुत दिखाया उसका, दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गृह विज्ञान होम साइंस इज डैश साइंस, तो होम साइंस के बारे में पूछा गया है कि वो एक डैश विज्ञान है। उनमें से ऑप्शन को फिलअप करना है, इंटरनल आंतरिक बाह्य मतलब एक्सटर्नल, व्यवहारिक बिहेवियरल, सम साइम मतलब जो प्रेजेंट टाइम वाला। तो गृह विज्ञान की जब भी बात आएगी बच्चों ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली एक यूज़ किया जाता है मेनली, आप जानते हो इसके अंदर लाइक चाहे वो कपड़े हो या फिर खाना हो या फिर मैनेज, तो ज़्यादातर चीज़ें व्यवहारिक तौर पर की जाती है, और ये हमारी रोज़मर्रा डेली लाइफ की ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है। सो दैट इज़ वाई कि भैया ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गृह विज्ञान में खाद्य स्वरोजगार, स्वरोजगार क्या होता है, सेल्फ बिजनेस, स्व मतलब सेल्फ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका आपको खाद से रिलेटेड, खाद मतलब फूड वाली बात आ रही है, तो ध्यान रखना उस कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है कि पार्टी का नियोजन, आहार विशेषज्ञ, खाद संरक्षण का व्यवसाय, या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया जब खाद की बात आएगी तो इसमें पार्टी का नियोजन भी होता है, ठीक है, पार्टी प्लानिंग, आहार विशेषज्ञ जिसे आप, हालांकि आपको इसमें नाम मुश्किल लग रहा होगा, बट इसे डाइटिशियन कहते हैं, डाइटिशियन का कोर्स कितने जने करते हैं, बिल्कुल, खाद संरक्षण, फूड प्रोटेक्शन, या वो देखने वाले निरीक्षण नहीं होते स्कूलों में भी आते हैं मिड डे मील में, तो ये सारे के सारे बच्चों इस कैटेगरी से कोरिलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसी वजह से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल, कोई बड़ी बात थोड़ी है, रोजमर्रा की है। राष्ट्रीय क्रैच, क्रैच मतलब होता है बच्चों शिशु, शिशु की देखभाल, बस ये याद रखना, शिशु की देखभाल। तो राष्ट्रीय क्रैच योजना एक प्रकार की डैश है, राष्ट्रीय, नेशनल है, स्थानीय, लोकल है, राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल की है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर की है, और इसी वजह से स्थानीय भी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में महिला एंड बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और इस जो क्रैच का नाम पहले किसे जाना जाता था, राष्ट्रीय क्रैच योजना जो है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, एग्जामिनर से जरूर पूछा जा सकता है, क्या वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना थी, राजीव गांधी थी, चरण सिंह थी, या देसाई थी। तो आपको हमेशा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना। अब इसका नाम सिर्फ राष्ट्रीय क्रैच योजना रख दिया है, राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बच्चों की देखभाल ज़्यादा की जाती है, अलग से टाइम दिया जाता है, तो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट वाली है, बच्चे की स्टेज को लेकर डेवलपमेंट वाली है, बच्चों को नर्सरिंग में अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये थे बच्चों कुछ आपके होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि दो ही नंबर का आ रहा है, बहुत शॉर्ट
आपका ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि कंटेंट में आपको क्या पढ़ना था, ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, चैप्टर पढ़ा रखा है, तो जब आप यहाँ पर देखते हो, एक मिनट ओके, सो ये रहा तो इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। इसके अंदर बच्चों आप व्हाट इज़ होम साइंस, क्या होती है, उसका एरिया क्या है, इंपॉर्टेंस कितनी है लड़का लड़की के लिए, और करियर ऑप्शन क्या है, तो ये चार चीज़ें और मैंने आपको कंटेंट ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका आज का, ये था बच्चों आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट एक। अब ये पहला चैप्टर हमने क्लिक कर लिया, मतलब पढ़ लिया। अब सेकंड चैप्टर स्वयं को समझने से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, बस ये पहली वीडियो थी इसलिए शॉर्ट है, बाकी वाली देखते हैं कैसे कैसे आगे हमें फॉलो करना है इन सभी चीज़ों को। तो आप अपना ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जी हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और डोंट वरी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इको, हिंदी, इंग्लिश, और क्या रह गया आपका, सोशियोलॉजी, हाँ ये तो अपना फेवरेट है, इन सभी के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और पॉलिटिकल साइंस के तो स्पेशली, क्योंकि यार मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का टीचर रह के चुका हूँ, मेरे को तो यही मेरा मतलब पहचान है, मतलब आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016, प्लस आई हैव ऑल्सो क्लियर माई बी एड सी टेट, नाउ आई एम परसुइंग एम ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। सो दैट इज़ माई बच्चों, रग रग में जो अपना राजनीति विज्ञान है ना, आप 12th क्लास की मेरी देख सकते हो, बट आपको इतना हेल्प नहीं करेगी, अभी तो आपको 11th पे फोकस रखना है, बट ऑफलाइन कोचिंग मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, सो डोंट वरी, हम उसका भी कवर करेंगे। तो भैया ये था आज की इस वीडियो में, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे ऐसे ही खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ठीक है, चलिए।